अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज सागर और आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको मेरे हाथ में ये बिलारस ट्रैक्टर नज़र आ रहा है और ये इसका रिमोट है। मैंने इसका गियर सिस्टम बनाया है, यानी मैं इसको हाई लो करने लगा हूं और मैं इसके पीछे ट्राली लगा के ट्राली पर आपको इसकी परफार्मेंस दिखाता हूँ। तो मैं इसकी वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल टेक्निकल सागर को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसकी वीडियो शुरू करता हूं। आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर आ रहा है। दोस्तों मैंने ये गियर सिस्टम अपने फीएट ट्रैक्टर 640 और बिलारस के लिए बनाया है। तो फ़िलहाल मैं कामरान भाई के पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इनके ट्रैक्टर के ऊपर इसको चेक करते हैं कि इनके ट्रैक्टर पर ये किस तरह काम करता है, और नेक्स्ट मैं इसको अपने ट्रैक्टरों के ऊपर भी चेक करूंगा, फीएट के ऊपर, बिलारस के ऊपर, उनके ऊपर ये किस किस्म से वर्क करता है। तो वो वीडियोस भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जिस गियर में भी होगा, हाई होगा या लो होगा, ऊपर नुक्कर के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये ऊपर अब हाई गियर में है तो ऊपर नुक्कर के अंदर हाई गियर लिखा हुआ है, जब लो होगा तो ऊपर लो गियर हो जाएगा। इस वक्त कामरान भाई तो घर पर मौजूद नहीं हैं, तो ये उनके भाई ट्रैक्टर को चला रहे हैं, मतलब है ड्राइवर इस वक्त उनके भाई हैं। तो ये एक ईंट के साथ ये चढ़ाई चढ़ जाता है और ये मेरा अपना मुशाहिदा है। तो इनका कहना है कि बैटरी लो है तो इस वजह से नहीं चढ़ रहा, और ये वजह भी हो सकती है और ड्राइवर की वजह भी हो सकती है, क्योंकि जो बंदा एक चीज़ को बनाता है तो वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। अब कामरान भाई तो है नहीं, तो देखते हैं ये चढ़ाई चढ़ता है या नहीं चढ़ता। ज़ोर तो बहुत लगा रहा है, बहरहाल देखते हैं।